जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग फौजी में। तो अभी जो वीडियो आपका प्रीवियस वीडियो था ट्रेनिंग को लेकर के, उसमें कुछ पार्ट जो बच गए थे, आप लोग कमेंट के माध्यम से भी आप लोगों ने पूछा था कि बैरेक्स रहते हैं एसओस के लिए, यानी कि जो आप सब इंस्पेक्टर के रूप में अभी ज्वाइन करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग जो इसकी होगी दिशा में यहाँ पे जाएंगे तो क्या रहता है वहाँ आपका। तो वहाँ पे आप लोगों को बेसिकली अगर कहें तो एक रूम में दो लोग रहेंगे और दोनों के लिए एक स्टडी टेबल रहती है, बेड रहता है, वॉशरूम रहता है और दोनों का साथ में कंबाइंड ही हर चीज रहती है। और एक रूम में दो लोगों का सेटलमेंट रहेगा। खाने का क्या रहता है, मेस रहती है जो कि नीचे ही है, और ब्रेकफास्ट सुबह मिलता है, शाम का जैसे कि डिनर हो गया और लंच बीच में हो गया, और वही 3-3:30 के अप्रोक्स में आपको चाय मिल जाती है। तो ये वहाँ का एक खाने का शेड्यूल हो गया, और वो ट्रेनिंग का शेड्यूल जो रहता है उसी के बीच में आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती है। तो मिस कटिंग आती है एक, आप लोगों को जो मिस का पैसा मिलता है उसी वही 4,000 या 4,500 रुपये की मिस कटिंग अप्रॉक्स आती है, और खाना आपको अच्छा मिलता है, लाजवाब खाना मिलता है। आप लोग अगर जिस हिसाब से आपको होता है कि डेली रहता है, डेली का मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे स्पेशल चीज़ें बीच बीच में, जैसे बुधवार को, फ्राइडे को और आपको संडे को, ये स्पेशल चीज़ें रहती हैं कि इस दिन में आपको क्या क्या चीज़ें बढ़िया से मिल सकती है। जैसे कि अगर आप वेज वाले हैं तो आपको पनीर मिलता है, और अगर आप नॉन वेज के हैं तो आपको चिकन और मटन ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। और ट्रेनिंग का रहता है, ट्रेनिंग में आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मार्का से लेकर के रोल कॉल के बीच में आप पूरा ट्रेनिंग सेशन, आपका पूरा ट्रेनिंग सेशन रहता है। आपको कभी भी उस्ताद उठा सकता है और कभी भी आपको भगा सकता है, यानी कि ये चीज़ रहती है। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, मैं आपको फिर से आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं फिर से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ट्रेनिंग में आप आओगे तो आप नॉर्मल एक इंसान होता नहीं कि एक जनरल जो बाहर है वो एक इंसान के रूप में आप आओगे, और जब जाओगे यहाँ से तो एक फौजी के रूप में जाओगे, आप बिल्कुल एक ट्रेंड सोल्जर रहोगे। आपको पता रहेगा कि चीज़ें किस हिसाब से कहाँ क्या डील करनी है, आपको उस्ताद लोग इस तरीके से आपको गाइड कर देंगे, आपकी मेंटेलिटी ऐसे चेंज हो जाएगी, सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा और एक वर्ल्ड को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आपके अंदर एक अनुशासन सा आ जाएगा और ये चीज़ें होंगी। इसके लिए आपके लिए क्लासेस इसमें रहती हैं, ड्रिल की क्लास हो गई, WT की क्लास हो गई और PT की क्लास हो गई। इंडोर क्लासेस जो होती हैं वो आप लोगों की वही 9 से 1 के अप्रॉक्स रहती हैं, अधिकतर जो टाइमिंग रहता है 9 से 1 का रहता है। 4 घंटे की क्लास होती है जिसमें बीच बीच में आपको ब्रेक मिलता है। उसमें इंडोर में आपको IPC, CRPC और भी CRPF, CISF एक्ट एंड रूल्स और कई चीज़ें, क्वार्टर मास्टर के काम क्या होते हैं, मैं सेक्रेटरी के काम क्या होते हैं और अन्य चीज़ें जो उतने समय आपकी उपयोगिता को दिखाएंगी, आपको जो ज्ञान अर्जित करने के लिए जो हेल्पफुल रहेंगी वो आपको उसमें सिखाया जाता है। और उसके बाद में आपकी 1 से 3 के बीच में आपको ऑफ मिलता है, 1 से 3:30 के अप्रोक्स। फिर उसके बाद में फिर से एक विसल लगती है और फिर से WT की क्लास शुरू होती है 3:30, वही 4 के अप्रोक्स, 4 से 5:30 का एक आपकी WT की क्लास रहती है। उसके बाद में स्पोर्ट्स की क्लास रहती है, स्पोर्ट्स की क्लास के बाद आपकी रोल कॉल की क्लास रहती है। रोल कॉल में आपका कोई भी अगर पॉइंट है तो आप उसमें पॉइंट उठा सकते हो। रोल कॉल में जीओज आते हैं, कभी कभी गस्टेड ऑफिसर जो है वो आते हैं, आपकी रोल कॉल लेते हैं, कभी कभी सैनिक सम्मेलन होता है, कभी कभी जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको पूछा जाता है रोल कॉल में। तो आपको अगर कोई पॉइंट लगता है, अमूमन कोई पॉइंट नहीं होता है लेकिन अगर कोई पॉइंट लगता है तो आप रोल कॉल में उठा सकते हो। तो ये हो गया आपका दैनिक दिनचर्या जो ट्रेनिंग में होगी आपकी, जो अगर कहें कोई एकेडमी में जा रहा है तो वहां पे होगी, कोई अगर RTC में जा रहा है तो वहां पे होगी, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी यही ही दिनचर्या रहेगी आपकी आपकी। लेकिन कुछ ट्रेनिंग, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कम रहता है, 24 ये शायद मंथ्स का रहता है, 24 सॉरी वीक्स का रहता है। तो ये आपका ट्रेनिंग वीक का ये पूरा शेड्यूल है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट्स है, कोई क्लियर अगर नहीं हो पा रहा है डाउट, तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, जय हिंद।